सुनवानी खरीदी केंद्र में मिली अनियमितताओं की शिकायत की जांच करने डीएमओ खाद्यान्न एसडीएम गुनोर हनुमानगंज तहसीलदार सुनवानी पहुंची। गौरतलब है कि सुनवानी खरीदी केंद्र की शिकायत कुछ किसानों द्वारा की गई थी। यहां रात्रि के समय व अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही थी, साथ ही किसानों के उपज को पोर्टल बंद होने के बाद भी तोला जा रहा था, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर खरीदी केंद्र को हनुमानगंज तहसीलदार ने सील कर दिया, जिसमें आज गुनोर एसडीएम और खाद्यान्न डीएमओ जांच करने सुनवानी पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित किसानों से पूछताछ की, साथ ही शिकायतकर्ताओं के कथन लिए, जिसमें वहां पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों एवं किसानों ने समिति प्रबंधन का पक्ष रखते हुए कहा कि यहां रात्रि में किसी प्रकार की तुलाई नहीं की गई। यहां पर रात्रि में वापस किया गए माल को पलटी की जा रही थी, जो किसान हित में था। वहीं शिकायतकर्ता जागेश्वर शुक्ला ने बताया कि मेरे द्वारा शिकायत की गई है कि सुनवानी खरीदी केंद्र में रात्रि के समय अवैधानिक तरीके से तुलाई की जा रही थी, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा थाना प्रभारी को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर रात्रि में ही कार्य बंद कराकर तब मैंने पन्ना जाकर इसकी पूरी शिकायत की, जिसकी आज जांच की जा रही और मेरे कथन लिए गए। वहीं इस पूरे विषय पर वहां पर उपस्थित किसान एवं समिति प्रबंधक का कहना है कि मेरे द्वारा किसी तरह की तुलाई नहीं की जा रही। मेरे द्वारा 15 तारीख को जिन लोगों ने तुलाई की थी और पोर्टल पर नहीं चढ़ पाया था एवं पोर्टल बंद हो गया था, जिस वजह से किसान चिंतित होने लगे थे, तो मैंने उन किसानों का माल वापस कर दिया था, जिसके बाद किसानों के आग्रह पर माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर एक बार फिर पोर्टल खोला गया। तब मैंने उन पोर्टल पर सभी किसानों की उपज को चढ़ा दिया और मैंने किसानों की उपज को पलटी करवाई, जिसकी शिकायतकर्ताओं ने विरोध किया, साथ ही विरोध आवाज के चलते गलत शिकायत कर दी। वहीं इस पूरे विषय पर डीएमओ खाद्यान्न एवं गुनोर एसडीएम का कहना है कि शिकायत मिली थी कि यहां पर रात्रि में तुलाई की जा रही थी, जिस पर यहां आकर उपस्थित किसानों एवं वरिष्ठ नागरिकों से पूछताछ कर पंचनामा बनाया गया एवं रात्रि के समय थाना प्रभारी द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसमें देखने पर पता चलता है कि कहीं भी तुलाई नहीं की जा रही। कांटा पूर्ण रूप से बंद था, बोरियों की पलटी की जा रही थी, जो कि निज हित के उपदेश से नहीं की जा रहा था, जिस पर पूरे साक्ष्य एकत्रित कर हम प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ लोगों को भेज रहे हैं। पन्ना से सौरक्षण ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए बात सुनिए, बात उसकी नहीं है, गलती तो किया है, श्रीमान जी आप बैठे हैं। गेहूं में मैंने पहले रसीद कटवा ली साहब, रही थी साहब ना कांटे में, ईमानदारी वाली बात है, इनसे पूछा जाए कि कांटा लगा था क्या। श्रीमान जी हम जय कर रहे थे, श्रीमान जी जय है सरपंच साहब, आप बताइए सरपंच साहब आपका क्या हुआ था। एक पात्र व्यक्ति है, मुझे कम से कम 5 से 7 व्यक्ति 49 में से खड़े कर दो, 15 की रात में बंद हो गया था, 18 को हम अपने घर ले आए, घर में अभी भी गल्ला रखा है, लेकिन उन्होंने रसीद मेरी काट दी थी जब जिस दिन पोर्टल पर, गल्ला मुझे अभी भी इनका देना है और मेरे घर में रखा है अभी भी, नहीं दिया गया पैसा, कोई भी किसान कह नहीं सकता, किसानों से पूछा भी जा सकता है। तो क्या आपको जो शिकायत की गई है तो वो कैसे शिकायत की गई, मतलब किस आधार पर की? पैसा चाहिए थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे हमसे, तो चाहे जहाँ से तुलाई करवाओ, यानी साजिश के तहत फंसाना बताया। आपका नाम? भागीरथ प्रसाद। समिति प्रबंधक है जी, यानी आपका ये कहना जाना है कि साजिश के तहत फंसाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जाँच? हम निर्दोष हैं साहब, और भाई अब जाने भगवान जाने कि क्या हो रहा है, फंसाया जा रहा है क्या। द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया, उस समय 49 किसान ऐसे थे जिनकी तुलाई हो चुकी थी, सिलाई हो चुकी थी, चट्टा लग चुके थे, लेकिन सिर्फ पोर्टल पर चढ़ना शेष था जी। फिर बार बार जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रयास करने के बाद 23 तारीख को एक दिन के लिए पोर्टल खुला और उन किसानों के पोर्टल पर नाम दर्ज किए गए, लेकिन अनुमति के अनुसार 49 किसानों के ही जो सूची में थे उनके ही पोर्टल पर नाम दर्ज होने थे, लेकिन समिति प्रबंधक श्री भागीरथ पटेल द्वारा 6 से 7 किसान जो अन्य थे उनके नाम उसमें दर्ज कर दिए गए, जो गलत है। क्या वो किसान थे या व्यापारी थे? किसान थे। अब तो क्या वो इसमें उनका क्या लाभ? जिनका है वो किसानों का ही होता है, उनका लाभ, उनका क्या लाभ था इसमें, क्या लेने लेकर अंदर की बात है, क्या लाभ था, क्या पैसे लेके देखा? फिर इसके बाद जब शासन के आदेश अनुसार सिमरिया मंडी में केंद्र चालू कर दिया गया था, फिर 23 तारीख की रात को 1:30 से 2 बजे पूछा कि भैया वहाँ पैसा की ज़रूरत है, तो बोले भैया हम क्या करिए, तो जो बोले ये सब किसान लोग, तो भैया हम ऐसा ही हमारा चोरी हो जाए माल, तो बोले वे अपने ले आए किसान, इन्हें कहा अगर पोर्टल खुलेगा तो हम बुलवा लेंगे। बात ये है, बात बाकी जो जांच हुई है, इन्होंने जो तुलाई की है उसमें कहीं कोई अनियमितताएं नहीं है, किसानों का माल गया है और कोई लापरवाही नहीं हुई है, जबरदस्ती का तूल बना दिया, जो शिकायत है झूठी है। अच्छा, तूल बनाया गया कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक को साजिश के तहत, ये फसाने की, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसान के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये गलत है, गलत है, समिति प्रबंधक बड़ी
सर क्या पाएगा अब जांच के बाद? जांच देखिए, अभी हम रिजल्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि भाई वो एक गलत इंसेंटिव के द्वारा नहीं किया गया। उसने जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि पैसे लिए गए हैं जी, जो सभी किसान, क्योंकि आप लोगों के सामने जांच हुई है, किसानों द्वारा पुष्टि की गई है कि कोई पैसा नहीं लिया गया है जी, लेकिन इनके द्वारा एक गलती ये की गई थी कि इनको सिमरिया से जो तुलवाना था जी, वो उन्होंने यहाँ पे तुलाई की, ये शिकायत प्राप्त आई। क्या रात्रि में भी तुलाई करते रहे? नहीं, तुलाई की बात नहीं आई है, क्योंकि कुछ किसान अपना माल वापस लेके चले गए थे, जैसे जांच में पाया गया है, तो उन किसानों के माल की पलटी हुई, जिसकी पुष्टि माननीय टीआई साहब ने भी की है वीडियो में। शिकायत हुई थी जी, जैसा कि आपको डीएमओ साहब ने बताया भी, और उसको आज सीड जो ये था जहाँ चना रखा हुआ था उसको खुलवा करके और पूरा विस्तृत उसकी जांच की गई, और ये जो समित प्रबंधक इसने बताया कि कुल 1350 कुंटल चना हमारे पास है, कुछ यहाँ है और कुछ वहाँ पर है सिमरिया में। यहाँ बता रहे हैं कि दो ट्रक माल यहाँ पर है, दो ट्रक माल, और बाकी वहाँ रखा हुआ है। तो इसमें जो है शिकायतकर्ता और जो माने और लोग हैं उनके बयान लिए गए, जो समित प्रबंधक के जो पक्ष समर्थक हैं उनके भी बयान लिए गए जी, और दस्तावेज भी सब लिए गए जी। ये जो मेन वो है कि जितना 49 लोगों की सूची थी उसमें से 46 लोगों की जो माने तुलाई हुई है उसमें 41 तो उसी सूची के हैं, 6-7 दूसरे लोगों के तुलाई की गई है,